सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषा वहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरम लोक शंकरम समुपस्थित संतजन भक्तजन भगवत गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब दोनों सेनाएं इकट्ठा हुई और अर्जुन को मोह और शोक हुआ अर्जुन ने भगवान की शरण स्वीकार की हाँ ऐसे इसका भी शिष्य हम शादी माम म प्रपन्नम हे कृष्ण हे परमेश्वर मैं आपका शिष्य हूँ आप माम शादी मुझको आप शिक्षित कीजिए मुझको आप उपाय बताइए रास्ता दिखाइए क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ भगवान ने अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार किया और जो उपदेश दिया उसी को हम लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता अठारह अध्याय हैं संतों ने इसमें तीन विभाग किया छ अध अध्याय के तीन विभाग छ अध्याय कार्म प्रधान हैं बीच के छः अध्याय सातवें से बारहवें अध्याय तक भक्ति प्रधान है उपासना प्रधान है और तेरहवें अध्याय से अठारहवें अध्याय तक ब्रह्म ज्ञान प्रधान है हमारे जीवन में भी तीन उसके धरातल हैं ना, हमारा शरीर है शरीर के भीतर मन है मन के भीतर बुद्धि है शरीर बिना कर्म किए नहीं रह सकता इसलिए भगवान ने छ अध्याय में आपके शरीर के लिए उपदेश है कर्म कैसे करना चाहिए मन की चाह प्रेम की होती है मन हमारा अपनापन चाहता है किसी को अपने मन की बात कहूँ किसी के मन की बात सुनूँ प्रेमाभिलाषी होता है मन तो सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक आपका मन भगवान से प्रेम करे भगवान को अपना माने यही आपकी साधना का सबसे बढ़िया स्वरूप है और बुद्धि हर बात में विचार करती है ऐसा क्यों है क्यों कैसे कब कहाँ बुद्धि तर्क ढूंढती है तो अंतिम के जो छः अध्याय हैं वो हमारी बुद्धि के लिए ज्ञान प्रधान है अपनी बुद्धि को ऐसा विचार दो जिससे आपके जीवन का शोक मोह मिट जावे हम लोगों ने छः अध्याय तक वहाँ पर शायद विस्तार में समझा था सातवें आठवें नौवें को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लिया था कि समापन का समय है ऐसा नौ तक हो जावे जो लोग वहाँ पर होंगे देवगढ़ में रहे होंगे उनको ध्यान होगा फिर सातवां, आठवां नौवां ये था कि नौ अध्याय तक पूरा कर लिया जाए तो जल्दी जल्दी कर दिया था सातवें अध्याय से विषय का थोड़ा सा परिवर्तन है सातवें अध्याय से जैसे छठे अध्याय तक का हम लोगों ने विचार किया था सातवें अध्याय में भगवान का स्वरूप क्या है इसका वर्णन है भगवान कौन है देखो छठे अध्याय तक अपनी साधना की बात है कर्म करो कैसे कर्म करो ध्यान करो सातवें अध्याय से प्रसंग ही बदल जाएगा इसीलिए नाम है ज्ञान विज्ञान योग भगवान किसको कहते हैं अपने मन में कुछ जिज्ञासा ला लो तब आगे की बात समझ में आएगी भगवान का स्वरूप क्या है और एक बार भगवान का स्वरूप आपको समझ में आ जावे तो भगवान की उपासना कैसे करें यह आठवें अध्याय में बताया जाएगा जो उपासक होगा उसकी गति कैसे होगी वो कहाँ जावेगा ये सारा का सारा वर्णन आपको आठवें अध्याय में मिलेगा और नौवें अध्याय में जाकर के भक्त और भगवान में भेद नहीं है दोनों वास्तव में एक हैं यहाँ तक पहुँचाया जाता है तो आ, क्या हुआ? <laughs> सातवें अध्याय का देखो विषय ही होगा भगवान का क्या स्वरूप है अगर हम मान लो अपने ही मन में एक प्रश्न पैदा करें भगवान का क्या स्वरूप है तो क्या कहोगे एक समाज होता है हम उसको नास्तिक समाज कह सकते हो जो वामपंथी हैं मार्शवाद वाले हैं नास्तिक समाज वो सीधे कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज है नहीं ऐसा निषेध कर दिया लेकिन एक बात तो समझ में आता है कि निषेध करने के लिए भी वस्तु की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं हाँ, निषेध करने के लिए भी उसकी जैसे मैं मान लो यहां पर एक कहूं, कि इस कमरे में हाथी नहीं है जहां आप बैठे हो वहां हाथी नहीं इसका मतलब हाथी कहीं तो है ना तभी तो आपने निषेध किया कि जहां हम बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, वहां पर हाथी ही नहीं है तो निषेध करने के लिए भी उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है अगर नास्तिक लोगों ने निषेध किया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है तो स्वीकार कैसे करते हैं फिर स्वीकार कैसे करते हैं हाँ सीधे कान ना पकड़ करके टेढ़े कान पकड़ते हैं तो एक एक बहुतायत समाज है हमारे यहाँ पे पूरे विश्व की दृष्टि से विचार करना बहुतायत समाज है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते चलो नास्तिक वाले एक दूसरा समाज भेद करो तब अध्याय समझ में आएगा पहले आप मनोभूमि को समझो एक दूसरा समाज हमारे समाज में दिखाई पड़ता है जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है सत्संग भी नहीं सुना और लौकिक जगत की भी शिक्षा ज़्यादा प्राप्त नहीं किया ग्रामीण समाज है गांव का रहने वाले हमारे दादाजी हैं परदादा हैं अनेक लोग हैं उनके मन में अभी भगवान के बारे में ज्यादा समझ नहीं है लेकिन इतना भरोसा है कि कोई एक शक्ति है वो चाहे गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे ही दो पत्थर रख के उनकी पूजा करें लेकिन भीतर एक भाव है कि हमारे गांव की ग्राम की रक्षा करने वाला कोई एक देवता ग्राम देवता हैं कुल देवता हैं नगर देवता हैं तो एक जो हमारा ग्रामीण समाज है वो ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करता है समय समय पर जैसे जिसका जहाँ प्रचलन होगा जिस क्षेत्र में जैसी उसकी रीति रिवाज होगी उसी के अनुरूप भेंट पूजा भी चढ़ावेगा भगवान का वैसे आराधना भी करेगा सब जगह पर एक जैसे नहीं है थोड़ा व्यापक दृष्टि से विचार करना जैसा पश्चिम बंगाल में है वैसे तमिलनाडु में नहीं है तमिलनाडु की मान्यता पंजाब में अलग है पंजाब की मान्यता से हमारे महाराष्ट्र की मान्यताओं में बहुत सारा भेद होगा हमारे समाज में अगर पूरे समाज को आप विचार करोगे तो जो एक ग्रामीण समाज है अशिक्षित समाज है लेकिन श्रद्धा वाला है वो ईश्वर को स्वीकार करता है लेकिन उसको पूछो कि ईश्वर कैसे हैं भगवान का क्या स्वरूप है तो कहता है ज़्यादा इसके बारे में हमको पता नहीं लेकिन हम अमुक तिथि को ऐसी पूजा कर लेते हैं हमारा अमुक एक स्थान है वहाँ जा करके आरती भेंट पूजा चढ़ा देते हैं भगवान हम पर कृपा करते हैं समय पर बरसात भगवान कर देते हैं समय पर मौसम अच्छा हो जाता है हमको वनस्पतियां मिल जाती हैं ऐसा एक समाज है कम से कम इतना तो आपको थोड़ा विचार तो करना चाहिए एक तीसरा समाज आप भीतर लाओ हमने दो विभाग किया तीसरा समाज जिसने कभी थोड़ा सत्संग सुन लिया <laughs> जिसने थोड़ा सत्संग को सुना शिक्षा प्राप्त किया है थोड़ा उसकी बुद्धि जगी है प्रज्ञा शक्ति जगी है मेधा शक्ति थोड़ा बुद्धिमान है विचार करता है तो कहता है हाँ भगवान है ईश्वर है ईश्वर की सत्ता पर स्वीकार है फिर जैसा उसने सत्संग में सुना होगा जो सत्संग में सुना होगा उसी के अनुरूप ईश्वर को वो स्वीकार कर लेता है सत्संग में जैसा सुना ईश्वर हैं, सर्वज्ञ है, हैं सर्वशक्तिमान हैं हम जीवों पर दया करुणा करने वाले हैं लेकिन सत्संग में जैसा सुना होगा वैसा वो स्वीकार करेगा और दूसरे सत्संगियों के विचार के साथ उसका मतभेद भी हो जाएगा मैंने कहा सत्संग को सुनने वाला समाज अगर मैं मान लो वृंदावन से कथावाचक को बुलाऊं तो भगवान कौन हाँ कौन भगवान होंगे उसके उ, यही ना अच्छा अयोध्या से कथावाचक बुलाऊं तो तो बदल क्यों गए फिर अच्छा काशी से बुलाऊं तो हाँ देखो हाँ समझ रहे ना आप लोग हाँ कम से कम तो वो अपने अपनी परंपरा को जिसने सुना अपनी परंपरा को जिसने सुना सत्संग में और उसके जो आचार्य ने उसको समझाया वो उन्हीं को सर्वोत्तम श्रेष्ठ मानेगा यही हमारे भगवान हैं औरों से हमारा कोई ज़्यादा ना विरोध है ना उनसे प्रेम है ना कोई उनसे विरोध भी नहीं कोई ज़्यादा उनसे लगाव भी नहीं लेकिन हमारे ये इष्ट देव हैं हम इन्हीं को मानते हैं ठीक है और इसमें तो तमाम एक दो नहीं एक दो नहीं हमारे भारतवर्ष में एक संप्रदाय हैं आप लोगों को शायद ना पता हो परंपराएं हैं एक परंपराएं हैं और इसमें अनेक अनेक उनके आचार्यों के द्वारा बताया हुआ मत है हमारे महाराष्ट्र में ही चार छः परंपराएं खूब अच्छी तरह से चल रही हैं गुजरात में समझ परंपराएं हैं कर्नाटक में परंपराएं हैं साउथ में है पंजाब में है एक अनेक अनेक परंपराएं चलती हैं और उनके आचार उनको जैसा बता देते हैं वैसे वो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ क्या कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है ना भाई गीता को समझने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए बाकी कथा तो हम लोग मैं कथा सुनाता हूं भागवत कथा भी सुनाता हूं राम कथा भी सुनाता हूं अभी सुना के आया हूं। तो ऐसा नहीं लेकिन गीता समझना है तो थोड़ा दिमाग को तेज करके बुद्धि को समझा करके। और खुले मन से विचार करो आप केवल अपनी मान्यता को मुख्य मान करके नहीं थोड़ा खुले मन से समाज को देख करके विचार करो आपको सब समझ में आने लगेगा हाँ ऐसा तो है ऐसा तो है कोई अच्छा एक राधा स्वामी संप्रदाय है एक निरंकारी है एक सावन कृपाल रूहानी सत्संग है एक हमारा लिंगायत समाज है एक महानुभाव समाज है एक चैतन्य महाप्रभु का गौड़ी परंपरा है एक मैं कह रहा हूँ एक परंपराएं हैं तो बहुत सारी परंपराओं का मैं नाम गिना सकता हूँ एक दो नहीं लेकिन सबकी अपनी 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 मान्यताएं हैं और उसी के अनुरूप कहेंगे भगवान यही है इन्हीं की आराधना आपको करना चाहिए और मेरे चित्त में ऐसा एक विवेक जगह है कि मैं भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहता हूं भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहता हूं हां। किसी ने कहा अब एक कठोर वचन में बोल दे रहा हूं अभी उपनिषद का सिद्धांत है बिना उपनिषद को समझे गीता जी समझ में नहीं आती अगर किसी ने कहा हम उन्हीं को भगवान समझते हैं जिनका एक दिन आविर्भाव हुआ जन्म हुआ और एक दिन शरीर छूट गया तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहा फिर क्या फर्क रहा हमारा भी जन्म हुआ और उनका भी जन्म हुआ हमारा भी शरीर मर जाएगा उनका भी शरीर मर गया मैं तो उनको परमात्मा नहीं मानता हूं मैं तो नहीं मानता हूं उपनिषद तो नहीं कहता गीता जी तो नहीं कहती एक एक आपके लिए एक मापदंड है जिसका भी जन्म होता है उ, उसको हम ईश्वर नहीं कहते लोग जिसका भी जन्म और मृत्यु का वर्णन होगा उनको हम ईश्वर नहीं मानते हमारे आराध्य होंगे उपासना के लिए उपासना के लिए तो हम अपने माता पिता को भी उपासना करते हैं पूजा करते हैं मातृदेव भाव पितृदेव भाव हम अपने आचार्य की भी उपासना करते हैं हाँ लेकिन ईश्वर नहीं जिसका जन्म है जिसकी मृत्यु है हाँ उपनिषद केन उपनिषद का मंत्र मनुतेर मनसान मनुतेन मनोमतम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिद हाँ यक्षुषा न पश्यती यक्षुष पश्यति तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदुपाससते पांच बार मंत्र को दोहराया गया है पांच बार दोहराया गया है ये जो तुमको सामने दिखाई पड़ रहा है जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो दृश्य की कोटि में आया जो आपकी नजर से दिखाई पड़ रहा है भले हमने उसकी उपासना किया लेकिन वो दृश्य हुआ कि नहीं और दृश्य हुआ तो उसको देखने वाला दृष्टा मैं अलग हुआ और जिसको मैं देखता हूं वह अनित्य होगा वो परिच्छिन होगा वो सीमित होगा वो आने जाने वाला होगा जिसको तुम देखते हो वो परब्रह्म ब्रह्म नहीं है वो परम तत्व तो नहीं है वो तो कोई और ही है उसको जानो तो एक तीन विभाग हमने किया एक नास्तिक का दूसरा आस्तिक है सत्संगी है हाँ एक बहुत सामान्य सा हमारा गांव का समाज है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं एक और है एक और आप समझो जो थोड़ा योग की साधना में ज्यादा उनका मन लगता है अंतर्मुखी बहुत हैं अंतर्मुखी बहुत हैं तो उनकी दृष्टि में वो कहते हैं ये जो अहम अहम से स्फुरीत हो रहा है यही ईश्वर है हाँ गीता जी का प्रमाण क्या देंगे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर कहाँ है सभी प्राणियों के हृदय में ये गीता जी में किसोक है हाँ अठारहवें अध्याय का कौन सा नंबर अठारहवें अध्याय का कौन सा नंबर ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी ईश्वर कहाँ स्थित है सबके भीतर तो सार्वभूता नाम सारे प्राणियों में है तो मेरे भीतर भी तो होगा ना जब ये कहा सब में है इसका मतलब फिर मेरे भीतर भी होगा तो उन्होंने कहा ईश्वर है लेकिन वो जो अहम अहम करके मेरे भीतर चेतन है वही ईश्वर है जो नेत्र को देखने की शक्ति दे रहा है कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है वाणी को बोलने की शक्ति दे रहा है वह ईश्वर सब प्राणियों के भीतर और मेरे भी भीतर है वो हम उसको ईश्वर समझते हैं वो मेरा आराध्य है एक ऐसा भी विचार है हाँ अच्छा आपके भीतर ईश्वर है ऐसा हमने माना मान लिया हम इसका कभी निषेध नहीं करेंगे तो एक में में तो ईश्वर आपके भीतर है तो खंभे में कैसे आ गया पेड़ में हाँ पेड़ में भी है वेरी गुड बहुत बढ़िया हमारे मोहल्ले का कोई व्यक्ति मर गया उसका शरीर साढ़े पाँच फुट का वजन सत्तर किलो तो साढ़े पाँच फुट का शरीर और सत्तर के जी वजन जो दरवाजे के सामने रखा है उसमें अब नहीं बोल रहे हो आप लोग खम्भे में तो बोल दिया फटाफट हाँ खम्भे में ईश्वर है हाँ और मरे हुए शरीर में मरे हुए शरीर में हाँ अब आप घर पे सोचना होमवर्क अच्छा <laughs> कोई एक ही शरीर नहीं एक साथ में एक शमशान घाट में दस दस शरीर पड़ा होगा ना कोई एक ही थोड़े अनेक अनेक पशु पक्षी का मरा हुआ शरीर पड़ा होगा उसमें है कि नहीं ईश्वर नहीं है तो फिर सर्वव्यापक नहीं सर्वव्यापक आप उसको कहिए जो इतना सा भी जगह खाली ना हो जिससे अगर इतनी सी भी जगह खाली है किसी से तो हम उसको सर्वव्यापक नहीं कहेंगे भाई कोई ऐसी चीज है जो सब जगह तो है लेकिन इतनी सी जगह में नहीं है इसका मतलब वो सर्वव्यापक नहीं होगा और सर्व व्यापक कहते हो तो उसको सब जगह होना चाहिए तो वो जो पांच फुट का शरीर और इतना है उसमें अगर नहीं है तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं होगा जी हाँ उसकी सर्वव्यापकता को आप खंडित कर दिए ना सर व्यापक कहने का मतलब है कि उसको मरे हुए शरीर में भी होना चाहिए अच्छा आपने इतना तो कहा कि मेरे भीतर भी परमात्मा है इतना तो माना ना सबके हृदय में है तो मेरे भीतर भी है आपने इतना तो स्वीकार किया हाँ तो सबके भीतर है ईश्वरा सर बोता नाम शरीर जो मरा हुआ पड़ा था उसमें एक करोड़ कीड़े पैदा हुए उन उ, उ जो एक करोड़ कीड़े पैदा हुए उनमें हृदय था कि नहीं क्या हुआ उनमें हृदय है कि नहीं जिंदा है वो चेतन है कि नहीं तो उनमें कौन है फिर है ना ईश्वर सर्व तो ये सारा जगत दिखाई पड़ रहा है ये सब ही ब्रह्म स्वरूप है सारी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है परमात्मा से पृथक इस जगत में कुछ भी नहीं है एक देखने की दृष्टि होनी चाहिए वो दृष्टि मिलती है हमको सातवें अध्याय में सातवें अध्याय में परमात्मा सर्वव्यापक हैं और परमेश्वर का स्वरूप क्या है ये समझो आप इसीलिए नाम है ज्ञान विज्ञान योग साधारण नहीं है ज्ञान भी अर्जुन तुमको बताऊंगा ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, इदम वक्षाम अशेषतः मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसका अनुभव भी करा दो विज्ञान माने अनुभूति इसका अनुभव भी करा दूंगा कैसे अब विचार करो विचार करो क्या विचार करें इस जगत में सारे जगत को बनाने वाली आठ चीज मिलकर बनाती है सारी सृष्टि को सारी सृष्टि को बनाने का काम चलाने का काम मिटाने का काम आठ चीजें मिलकर के करती हैं उनको भगवान ने नाम दिया अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति कौन श्लोक बोलेगा सातवें अध्याय का हाँ? सातवें दे, देखो यश श्री को तुरंत याद आ गया भूमि भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धिव अहंकार तो भिन्ना प्रकृति अष्ट याद है ना तो मेरी आठ प्रकृति है अष्टधा प्रकृति है वो आठ प्रकृति मिलके सारे जगत को चलाती है बनाती है कौन पांच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच को हम कहते हैं पांच महाभूत ये पांच महाभूत प्लस मन हाँ भाई आ, आप आपका मन था तो भी तो ये सत्संग का आयोजन किया ना मन था तभी तो ना प्लस मन बस इतना फर्क कर लो मानो भूमि रापो नलो वायु खाम मानो बुद्ध हा हाँ, 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 मन के दो विभाग करो हाँ एक मन को आप कहो व्यष्टि मन मेरा मन और दूसरा मन कलेक्टिव माइंड सबका मन एक साथ जुड़ कर उसी को यहाँ पर बुद्धि कहा है उसी को बुद्धि कहा गर्भ हाँ वो थोड़ा सा गंभीर शब्द है ये वाली बुद्धि को नहीं कहा है हाँ उस पर आ, अभी हमको किसी ने कहा स्वामी जी आपसे तेरहवा अध्याय हमको विस्तार में सुनना है ऐसे बोला तेरवा अध्याय हमने कहा तेरहवा अध्याय सुनाने के लिए कम से कम दस दिन चाहिए एक अध्याय पढ़ाने के लिए एक अध्याय समझाने के लिए उसमें एक पंक्ति है चापि चापि चाप इतना एक चरण समझाने के लिए तेरा पेज में भाष्य है तेरा पेज में शंकर भाष्य है तो <laughs> इतनी सी क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि इतना समझाने के लिए तो उसके लिए पढ़ाएंगे क्यों नहीं हरिद्वार में पढ़ाएंगे लखनऊ में पढ़ाएंगे अपने आश्रम में पढ़ाएंगे आ जाना हुँ? और अभी शायद दूसरा तीसरा अध्याय शायद रिकॉर्ड हो चुका है ना दूसरा तीसरा चौथा शंकर भाष से हमारे यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है आप लोग उस पर से देख सकते हो शायद संभवता है शंकर भाष हु? तो पांच महाभूत याद रखना पांच महाभूत बिल्कुल ये तो रटा हुआ है पृथ्वी जल पृथ्वी जल वो देखो क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए हाँ क्रम नहीं गड़बड़ाना मैं वहीं पर कह रहा था हाँ जिसका क्रम तीसरे नंबर पर है उसको तुमने दूसरे नंबर पर बोल दिया तो गड़बड़ हो गया हाँ भाई बच्चे स्कूल में बच्चे का जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पहले किसी को बुला दो तो हा? क्र क्रम नहीं हमेशा इसको ध्यान रखना नीचे से चलोगे तो पहले भूमि पृथ्वी फिर जल फिर तेज फिर वायु फिर आकाश ये नीचे से चलो तो और ऊपर से चलोगे तो आकाश वायु अग्नि अग्नि को हम तेज कहते हैं फिर जल फिर पृथ्वी एक हमेशा एक क्रम अगर ऊपर से बोलते हो तो इस क्रम से और नीचे से बोलते हो तो इस क्रम से बीच में बीच में गड़बड़ नहीं करना कुछ भी कहीं बोल दो ऐसा नहीं चलेगा इसको कहते हैं क्रमनाश नहीं होना चाहिए इस श्लोक में याद है नेहा विक्रम नाश क्रम क्रमनाश समझ रहे हैं हमारा एक शिष्य हम हरिद्वार में थे नया नया था तो हमने कहा सब्जी बनाओ तो उसने पहले तो कढ़ाई रखी पहली बार सब्जी काट करके धो करके कढ़ाई में डाल दिया गैस जला दिया फिर उसके बाद तेल का पिपिया लिया डालने को अब जैसे मैंने देखा मैंने कहा ये तो आप समझ गई ना सब हाँ हाँ पहले क्या डालना होगा तेल फिर उसके बाद उसके बाद राई आपका मेथी आपका जी जो डालना हो क्रम है कि नहीं आपके भोजन बनाने में भी क्रम है हाँ घर बनाने में भी उसका एक क्रम है हाँ तो आप क्रम का गड़बड़ी नहीं कर सकते हो हाँ किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ में एक इस ए इसके बाद ए इसके बाद ए इसके बाद ए उसका हमेशा ध्यान रखना अगर इसके बाद जब कभी पांच महाभूत बोलो तो आप उसमें क्रम को आगे पीछे मत करना मेरा इतना कहना है पांच महाभूत फिर एक मन मेरा और एक मन हुआ समष्टि मन समष्टि मन मान लो संजय का अकेला मन चाहता कि मैं सत्संग कराऊं और आप सबका मन ना करता तो अगर यहाँ पर इतने लोग बैठ कर के और गीता का चिंतन करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें कलेक्टिव माइंड काम कर रहा है ना? समझ किसी ने कोई व्यवस्था देखी उज्ज्वला ने कोई व्यवस्था देखी या पूजा ने कोई व्यवस्था देखी या, या स्त्री ने कोई देखा दस लोग हैं दसों लोग कोई ना कोई व्यवस्था देखी तब तो काम हुआ ना। वो कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता महाराज को कहते हैं समस्टी मन समष्टि मन का एक शब्द कभी शास्त्र पढ़ोगे तो याद आ जाएगा हिरण गर्भ कभी किसी ने सुना हो तो और अगर नहीं सुना है तो अभी आपको बहुत बार सुनना चाहिए फिर फिर हमको बुलाते रहना तो सुनाता रहूंगा <laughs> भागवत वगैरह पढ़ोगे तो इसमें एक शब्द लिखा मिलेगा हिरण गर्भ हिरण गर्भ हाँ, उसको कहते हैं मन उसको यहां पर बुद्धि कहा है मानो बुद्धि और आठवीं चीज है अव्यक्त अव्यक्त माने प्रकृति उपादान आप इस सत्संग को करा रहे हो तो इसके लिए कुछ ना कुछ और भी चीजें चाहिए आपको जो सामने दिखाई नहीं पड़ रही हैं लेकिन फिर भी उनका इसमें योगदान है किसका योगदान है देवताओं का योगदान है हाँ हमारा बिजली का योगदान है विद्युत का हाँ योगदान है कि नहीं सत्संग में अच्छा बिजली को दिखाओ मुझको कोई एक हमको बिजली को दिखा दो मैं आपको मान जाऊं आपका जो है गुलामी करूंगा हाँ हा? बिजली दिखा सकते हो कोई प्रकाश मत दिखाना आ, ना प्रकाश नहीं क्योंकि प्रकाश तो एक कार्य है किसका बिजली का और बिजली प्लस बल्ब का हवा जो मिल रही है वो विद्युत प्लस पंखे का कार्य है गरम पानी मिल रहा है तो विद्युत प्लस हीटर लगा हुआ है तो आपको गर्म पानी मिल रहा है ना विद्युत विद्युत में आपने बल्ब लगाया तो रोशनी हो गई विद्युत में पंखा लगाया तो आपको हवा मिलने लगा विद्युत क्या है बिजली हाँ उसकी कृपा है लेकिन विद्युत अव्यक्त है वो शक्ति है एक शक्ति है शक्ति है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता आंखों से आ, अरे बिजली हाथ से नहीं छू सकते हो हाथ से छुओगे तो तार को छुओगे हाँ तार बिजली नहीं है हाथ कभी छू गया तो किसको छुएगा तार को छुएगा तार विद्युत नहीं है बिजली तार लगा है फिर भी कभी कभी बिजली नहीं होती महाराज विद्युत एक शक्ति है ऐसे ही समझना अव्यक्त की भी कृपा होती है हम पर तो ये आठ चीजें हैं अव्यक्त माने मूल प्रकृति अम्बित माने मूल प्रकृति है हाँ। तो जिसको कभी कभी माया हम कह देंगे सांख्य दर्शन उसको प्रधान कहेगा सांख्य दर्शन प्रधान कहेगा हम लोग उसको मूल प्रकृति कहेंगे और भक्ति वाले माया कह देंगे नश्चित मूल प्रकृति ये आठ चीजें मिल करके आठ हो गई पाँच महाभूत मन बुद्धि और अव्यक्त ये आठ चीजें अर्जुन मेरी अपरा प्रकृति हैं अपरा अपरा माने जैसे शायद मेरे ख्याल में कार्यालय में भी दो शब्द होते हैं ना पार और अपर अपर सचिव ऐसे शब्द प्रयोग होता है हिंदी में हा डिप्टी सेक्रेटरी हा अपर सचिव डिप्टी लगाया अपर अपर माने नीचे वाला अपर माने नीचे वाला हाँ। हाँ। ये हा यह मेरी अपरा प्रकृति है तो प्रभु फिर आपकी प्र, परा प्रकृति कौन सी है हाँ। अगर यह परा है तो अपरे यित प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ये धारी क्या हुआ याद नहीं आ रहा है इस्लोक अरे हम थोड़ा ये मान के चल रहे हैं आप लोगों को गीता कंठस्थ है इसलिए जो है गीता के प्रेमी हो ना तो उस गीता के भाव को पकड़ो हाँ तू अन्याम अपरे यू अन्यम ये अपरा प्रकृति से एक अलग है अपरा प्रकृति से अलग है तू अन्यम अलग है कौन सी उस प्रकृति को भी मेरी समझो अर्जुन अपरा को मैंने बताया और इससे भी अलग एक परा है कौन सी परा प्रकृति है जीव भूताम भीतर जो आपके भीतर जीव बनकर के बैठा हुआ है जीव भूता महाभाव ये जो जीव बन के बैठा है वो मेरी परा प्रकृति है जिस जीव के कारण ये सारा का सारा आपका व्यवहार चलता है इस जीव के भीतर होता है मैं करने वाला हूं जीव के भीतर भाव होता है मैं भोगता हूं इसको इसको बहुत ध्यान से समझना तब आठवें अध्याय में प्रवेश कर पाओगे हाँ ये अष्टधा प्रकृति से बना शरीर अष्टा प्रकृति से सारा जगत बना और उसी जगत का एक छोटा सा पार्ट है हमारा शरीर शरीर आपका इस पूरे जगत का ही एक हिस्सा है अलग नहीं है तो अपरा प्रकृति से बना शरीर और ये शरीर जिसके कारण धारण है इस शरीर को जो धारण कर रहा है वो कौन है परा प्रकृति वो कौन है जीव शरीर को धारण करने वाला आप लोग क्या समझते हो अन्न जल है शरीर का धारण अन्न जल से हो रहा है महाराज एक दिन भीतर वाला चला जावे ना तो आप एक बूंद पानी भी डालो तो अभी नीचे फिर नहीं जाता तो अभी अभी हम ऐसे बैठे हैं मान लो ऐसे बैठे हैं हम ध्यान में बैठे हैं बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है भगवान का ध्यान हो रहा है आप बैठे हो ध्यान में और मान लो भीतर से कोई चला गया शरीर जौका बैठा है शरीर ज्योंका बैठा है लेकिन भीतर वाला गया तो लुढ़क क्यों जाता है जैसे पहले बैठा था वैसे अभी भी बैठा रहे गर्दन क्यों लुढ़क जाती है लुढ़क गई ना गर्दन गर्दन लुढ़क गई आदमी अब नहीं बैठ पा रहा क्यों उसके बैठने को धारण करने वाला ये शरीर नहीं अन्न जल नहीं धारण करने वाला भीतर का जीव था जीव निकला अब यह शरीर टिकने वाला नहीं है दो चार दिन में धीरे धीरे सब का सब डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी पूरी तो आपके भीतर इस शरीर को धारण ऐसे सारे जगत को धारण करने वाला जो है वो कौन जीव भूतान जीव मेरी परा प्रकृति भगवान का मेरी दो प्रकृति अपरा और परा अपरा ने इस सारी सृष्टि को बनाया और परा माने जीव चेतन भीतर जो चेतन है वो जीव वो परा प्रकृति है अर्जुन एक बात है ये दोनों प्रकृति मेरी है ये दोनों मेरी है अहम कृष्णस्य जगतः प्रभाव प्रलयस तथा हाँ ये हाँ। दोनों प्रकृति मेरी है और दोनों प्रकृति से मैं बिल्कुल अलग हूँ मेरी शक्ति से ये दोनों प्रकृति अपना अपना काम करती रहती है और मैं दोनों को बस केवल शक्ति देता रहता हूँ तो मेरा स्वरूप क्या हुआ अब ईश्वर का स्वरूप क्या हुआ हमने शुरुआत में कहा था भगवान का स्वरूप क्या है हाँ, भगवान कह रहे हैं मैं आहम कृष्णस माने सारा का सारा आहम कृष्णस्य हम सारे के सारे जगत का सारी सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय स्थिति सब करने वाला हूं किसके द्वारा करते हो आप ये दो प्रकृति मेरी ये दोनों मेरी प्रकृति अपना अपना काम करती रहती है मैं दोनों का स्वामी हूँ मैं दोनों का स्वामी हूँ इसका मतलब अब ईश्वर के स्वरूप का यहाँ पर निरूपण है न, नहीं कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है हाँ हाँ कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा चलो वेद में आएगा उपनिषद में आएगा इसीलिए कभी उपनिषद का भी थोड़ा सा प्रयास करो हाँ हाँ और हमारी तो राय होगी कठोपनिषद एक बार सुन लो यमराज और नचकेता का संवाद कभी सुना होगा नचकेता ने तीन वरदान मांगा था और यमराज ने उपदेश दिया था उसका नाम है कठोपनिषद दुकान पर मिल जाता है सस्ता है कोई महंगा नहीं है पचास रुपए में ग्रंथ मिल जाएगा और अगर प, क्यों नहीं हा? पढ़ना भी चाहो तो कठिन नहीं है कम से कम अब तो जो है बस आप यू अभियानंद तो आपके बस में है ना यूट्यूब पर जब चाहो बंद कर दो जब चाहो शुरू कर दो हाँ हमारा जो है यूट्यूब का चैनल महामलेश्वर वाला है उस पर कठोपनिषद का पूरा पड़ा होगा शायद मेरे ख्याल में पचपन क्लास होगी सत्तावन फिफ्टी सेवन क्लास में हमने पढ़ाया होगा उसको तो दो महीना हो गया दो महीने तो तो में पढ़ाया होगा कठोपनिषद तो कठोपनिषद का सिद्धांत समझोगे तो ये समझ में तो एक बार प्रयास करना पढ़ो अपने आप थोड़ा बहुत जहां ना समझ में आवे तो हम लोग तो बैठे ही हैं। हाँ। हाँ। मत्ता परतरम नान्य किंचित अस् मई सर्विदम प्रोत्तम सूत्रे अब भगवान का स्वरूप क्या है एक लाइन में मैं बोलता हूं वहां एक उपनिषद में एक शिष्य गया तैतरी उपनिषद नाम है उसका जहां का आपने ये कभी सुना होगा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भय अतिथि देवो भो जहां पर लिखा है वहीं पर लिखा है उसी उपनिषद में लिखा है कि शिष्य गया अपने गुरु जी के पास पिताजी के पास मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ ब्रह्म को उसका कैसे जानूँ तो गुरु जी ने उसको लक्षण बताया लक्षण क्या बताया यूता जायते ये न जाता जीवंती यियंत विषम विसंती तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ये सारा का सारा जगत सारा ब्रह्मांड जहां से उत्पन्न होता है जहां से उत्पन्न हुआ वो भगवान है वो भगवान है। जो इसको सारे जगत को चलाने वाला है वो भगवान है। और सारा जगत मिट करके जहां जा करके समा जाएगा वो भगवान आप तो समझ आ रहा है ना भगवान माने जगत का एक पार्ट नहीं सृष्टि का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं भगवान कौन समस्त ब्रह्मांड अनंत कोट ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले स्थिति करने वाले और प्रलय करने वाले अब मत कहना कि हमने सुना था तीन देवता हैं, ब्रह्मा बनाते हैं विष्णु चलाते हैं और शंकर जी सबका हाँ वो कहीं पुराण में समझ लेना तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति देने वाला कोई है कि नहीं आ? अच्छा एक शब्द भागवत कथा जिसने सुना होगा मेरे ख्याल में भागवत कथा तो सबने कभी न कभी सुना होगा उसमें क्या सुनाएंगे कि भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे उनकी नाभि से कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए ऐसा सुना होगा ठीक है फिर भगवान ने दर्शन दिया भगवान ने कहा सृष्टि को बनाओ तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया ऐसे ऐसे ना समझ में आया तो ब्रह्मा जी जहां प्रकट हुए वो क्या था कमल का फूल था तो ब्रह्मा जी से पहले कमल का फूल था कि नहीं क्या हुआ <laughs> अच्छा जल था कि नहीं ब्रह्मा से पहले नहीं जल नहीं था जल भी था तो वो जल में से कमल का फूल निकला होगा तो खाली जगह भी तो रहा होगा तभी तो कमल का फूल बाहर निकला आकाश खाली जगह माने आकाश हुआ कि नहीं हुआ तो ये चीज तो पहले से थी तो ब्रह्मा ने कैसे बनाई भाई <laughs> आठों महा जो अभी अष्ट प्रकृति बताया तो ब्रह्मा एक देवता हैं हम ब्रह्मा का निषेध नहीं करते वो देवता हैं उनकी उपासना करनी चाहिए लेकिन जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान उनको भी बनाने वाला कोई हाँ मत्ता परतरम जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों करने वाले कौन ईश्वर कम से कम इतना इतना एक सिद्धांत आप स्पष्ट करो हाँ एक चीज और आप जो चीज बनाते हो जो चीज बनाते हो उसका ज्ञान और थोड़ा उससे ज्यादा भी ज्ञान आपको होता है कि नहीं हाँ। जो भी बनाओगे आप अरे मान लो आपने इडली बनाई हाँ तो इडली बनाई तो इडली का ज्ञान है आपको तो डोसा का ज्ञान नहीं है रोटी का क्या नहीं है <laughs> देखो जो चीज़ आप बनाओगे हाँ क्या हुआ हमको जो कल ले गए थे वो आज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सिरोड़े चीज कहाँ हाँ सिरु। पूजा वगैरह नहीं दिखी ना आज हाँ गायब हो गए एक ही दिन में हैं हाँ अच्छा अच्छा जो हमारे सेवक होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है कहाँ <laughs> हाँ आप जो बनाते हो जो बनाते हो जो बनाते हो उसका भी ज्ञान और थोड़ा और भी उससे ज्यादा ज्ञान आपको होगा कम से कम इतना तो आपको व्यवहार जगत में समझ लो ना जो भी बनाते हो तो अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो ईश्वर को सृष्टि का ज्ञान प्लस कुछ और भी ज्ञान होगा इसलिए हमने कहा वो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ माने क्या आप जो बनाते हो उसका ज्ञान आपको होता है ना आपने घर बनाया तो घर के बनाने का उस उस घर में कितना सरिया लगा कि आपने बनाया तो आपको आइडिया होता है कि हमने इतना खर्चा किया है तो जो आप बनाते हो उसका ज्ञान पूरा का पूरा आपको होता है प्लस कुछ और भी होता है तो ईश्वर ने जगत को बनाया अगर आप ऐसा कहते हो तो पूरे सृष्टि का ज्ञान उसको है प्लस और है तो अब हम नहीं कह सकते हमने कहा सर्वज्ञ है वो सब कुछ सर्वज्ञ माने ये सर्वज्ञ शब्द कोई अनसुना नहीं है हाँ। हजारों बार सुना है भगवान आप सर्वज्ञ हो सब कुछ जानते हो दिल की बात सुनते हो लेकिन सर्वज्ञ माने चूंकि चूंकि उनके द्वारा पैदा हुई ये जगत इस है सृष्टि है इसलिए वो सब कुछ जानते हैं ठीक अच्छा जो जो सृष्टि जो बनाता है वो कभी चाहे तो उसको तोड़ भी सकता है कि नहीं हाँ? भाई मान लो हमने आश्रम अपना बनाया अपने आश्रम में चार कमरे हमने बनाए हाँ तो, तो हमारा मन हुआ कि ये वाला कमरा तोड़ करके और दूसरा कमरा उधर बना दे अगर मैं तोड़ने लगूँ तो कौन हमारा विरोध करेगा बनाया हमने संभालने वाला मैं तो हमारा विरोध कौन करेगा और हाँ? और अगर कोई विरोध करे तो उसको मैं कह दूं आश्रम से बाहर जा भाई मैंने बनाया मैं संभाल रहा हूं तो जब मैं चाहूं तो उसको तो इसी का नाम है सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम सर्वशक्तिमान माने हम चाहें तो कमरे को बनाएं हम चाहें तो कमरे को बनाए रखें और हम चाहें तो कमरे को तोड़ भी दे ठीक है ना यही तो है ना अगर आप आप उसको तोड़ नहीं सकते हो तो आप सर्वशक्तिमान नहीं हो हमारा जो उत्तर प्रदेश में खास करके एक कानून बना उत्तर प्रदेश में कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको आप लगा तो सकते हो लेकिन काट नहीं सकते हो हाँ हाँ कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाओ आप लेकिन आप उसको बिना परमिशन के काट नहीं सकते हो देहरादून एक ज़िला है कभी उत्तराखंड में जाओगे तो देहरादून मशहूरी देहरादून में लीची का पेड़ आप लगा सकते हो काटने के लिए परमिशन चाहिए हमारे हरिद्वार में खैर के पेड़ होते हैं खैर का पेड़ होता है उसको काटने के लिए परमिशन चाहिए आप नहीं काट सकते हो टीक का पेड़ होता है हाँ कहीं कहीं पर आप लगा सकते हो लेकिन काट नहीं सकते इसका मतलब मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ यही तो ना हाँ, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं तभी तो मैं उसको लगा तो सकता हूं लेकिन काट नहीं सर्वशक्तिमान माने कौन सर्वशक्तिमान यानी सारी सृष्टि को जब चाहे वो बनावे जब चाहे चलावे और जब चाहे सबका ये ईश्वर के आप समझो लक्षण हैं कौन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ठीक है अब आगे बढ़े हम ए, ए पूरा इन्हीं में समझो हाँ मत्ता पर तरम नान्य किंचित धनंजय हाँ। मई सर्वमिदम पुरोत्तम सूत्रे मणि मैं सब में हूँ अब एक बात और सातवें अध्याय का जो है सारे लोग हमारे इस स्वरूप को नहीं जानते तेरहवा श्लोक जिसको याद होगा तेरहवा श्लोक हाँ 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 सातवें अध्याय का तेरहवा श्लोक हाँ क्योंकि भगवान के स्वरूप का वर्णन भगवान का स्वरूप समझो पहले हाँ, क्या करें त्रिभीर गुण मयिर भावी तीन गुण मेरे हैं प्रकृति के और तीन गुणों से सारा जगत सर्वम इदम जगत सारा जगत व्याप्त है समस्या क्या हुई कि ये प्राणी तीनों गुणों में जाके मोहित तो हो गया मोहितम ना भी जान आती हाँ, जब जीव ये तीनों गुणों में इस फंस गया तब ना जाना थी फिर नहीं जानता किसको किसको नहीं जानता हाँ? मेरे परम अव्यय स्वरूप को मेरे परम अव्यय स्वरूप को अविनाशी स्वरूप को जो मेरा परम तत्व है उसको नहीं जान पाता क्यों क्योंकि उसकी नजर इसी जगत पे टिक गई जब जगत पे नजर टिक जाती है तो जगदीश फिर आपको दिखाई ही नहीं पड़ते अर्जुन ये मेरी माया बड़ी प्रबल है मेरी माया माया के बशीभूत हो गया जो जीव वो परमेश्वर को भुला देता है अब यहीं से समझ लो ईश्वर और जीव में भेद पैदा होगा समझ आ रहा है ना अब ईश्वर और जीव में भेद कहाँ से पैदा हो रहा है हाँ जब उसी की बनाई सृष्टि है सब में वो समाया हुआ है उसने कहा मैं सर्वम इदम प्रोत्तम मैं सब में उत्प्रोतम हूँ तो सारा जगत ईश्वर मैं है उससे कुछ अलग खाली नहीं है वो कण में है लेकिन ये जो भीतर जीव बना ईश्वर की परा प्रकृति वाला जीव चेतन ए जगत में तीन गुणों में जाके ममता बनाया तीन गुणों में ममता बना करके ये घर मेरा ये परिवार मेरा ये धन मेरा हमको भजन करने में अच्छा लगता है हमको काम करने में अच्छा लगता है हमको खाने और सोने में मज़ा आता है हमको लड़ाई झगड़ा करने में जब इसमें जा करके आसक्त हो गया तो उस परम तत्व से वंचित हो गया तव माया बस परे वो भुलाना कहाँ से कहाँ से आ, आ, हम एक दृष्टांत देते हैं वो दृष्टांत बहुत अच्छा आप लोगों के घर में ऐसा करते होंगे घर में एक कमरा है एक कमरा है मान लो छोटा सा फ्लैट लिया आपने एक कमरा है आपके घर में एक कमरे से काम नहीं चलता कोई आया तो बैठने के लिए फिर रसोई भी तो किया क्या आपने बीच में एक पर्दा डाल दिया ऐसा कई घरों में लोगों के देखा बीच में एक पर्दा डाल दिया तो एक दरब थोड़ा सा अलग हो गया उधर आकर के बैठे बात किया जो भी है तो अब वहाँ दो कमरे हो गए कि नहीं ड्राइंग रूम आपका उधर बन गया इधर आपका कुछ और बन गया डाइनिंग टेबल रख दिया दो कमरे हो गए कि नहीं क्या हुआ आप सब हो गए सही सही दो कमरे हो गए दो कमरे हुए या नहीं <laughs> दो कमरे हुए कि नहीं कोई व्यक्ति आया घंटी बजाया तो आपने बच्चे को कहा ड्राइंग रूम में बिठाओ यही कहा ना तो दो के जैसा लग रहा है काम हमारा चल रहा है दो करके लेकिन असल में जरा सा पर्दा खींच तो दो है नहीं ठीक है ना हाँ, दो है नहीं हाँ दो है नहीं लेकिन व्यवहार चल रहा है काम चल रहा है क्यों बीच में एक झीना सा पर्दा आ गया तभी ना ऐसे ही आप में और उसमें जो वो तीनों लोगों का स्वामी जगत की हाँ यह ध्यान रखना है जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान स्थिति करने वाला ईश्वर प्रलय करने वाला वो कण में समाया हुआ जो वो है और जो यहां पर थोड़ा सा चेतन बना मैं ये बीच में एक पर्दा आ गया कौन सा है एक ही लेकिन पर्दा आ गया दैवी माया है मामेव ये पर्दा आ गया है ना हमको लेके गए ना अभी परसों वहां दर्शन कराने बनी सप्त श्रृंगी हाँ हाँ बहुत बहुत सारे लोग तो थे वहाँ पे और जैसे हम पहुँचे वैसे पर्दा खींच दिया उन्होंने हाँ हाँ हम अभी परसों नरसों की बात है हम वहाँ पहुँचे तो पर्दा खींच दिया उन्होंने उनका आरती का समय है महाराज जी अभी तो थोड़ी देर आप खड़े रहिए तो हम भी खड़े हैं जब पर्दा खींचा तो वहाँ अब देवी जी तो उस समय तो नहीं दिख रही थी पर्दा हटा दिया अच्छा अगर मान लो मेरे भीतर दम हो गए मैं महामंडेश्वर हूँ ऐसा हो मैं ही जाके पर्दा खींचूँ तो वहाँ के दस कर्मचारी हमारी ऐसी तैसी कर देंगे यही ना चाहे कुछ भी हो मैं पर्दा खींचने का अधिकारी नहीं वो पर्दा जिसने खींचा है वही उसको हटाएगा यही ना तो ये जो जीव और ईश्वर के बीच में माया आ गई ना माया आ गई और माया के तीन गुण हैं जिनके कारण जीव संसार में जाके फंस गया और उसमें उसका राग द्वेष ममता आसक्ति सब बन करके जीव पना आ गया तो ये जो माया है इस माया को हटाएगा कौन कौन हटा सकता है हाँ अरे जिसकी माया है भाई जिसकी माया है वही तो हटाएगा ना आ? क्या हुआ <laughs> <laughs> अच्छा मान लो मेधा के घर पे मैं जाऊं और इनके यहाँ कोई नौकर हैं दस नौकर उस समय घूम रहे थे जब मैं गया था दसियों, हाँ एक कोई नौकर हो जिसको मैं पसंद ना करूँ हमको ना अच्छा लगे और मैं उसको चाहूँ कि इसको नौकरी से निकाल दूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा कर्मचारी है ही नहीं कर्मचारी किसका है जिसका कर्मचारी है वो निकालेगा ना अगर मान लो भले वो हमकारी पूजा करें भोजन मैं, मैं सब लेकिन उनके कर्मचारी को हटाने का हक मुझको कर ही नहीं सकता हूं और मैं कहूंगा भी तो मुस्कुरा के चला जाएगा वो जाएगा नहीं आपके <laughs> आप, आप समझो ये जो इंजीनियर लोग होते हैं ना चाहे जितने बड़े इंजीनियर बन जाए ये चीफ इंजीनियर हो जाऊं मैं इंजीनियर इन चीफ बन जाऊँ महाराज वो जो साइट पर काम करने वाले मजदूर होते हैं ना वो उसी की सुनते हैं जो उनको हफ्ते की तनख्वाह देता है हाँ ओवर सियर <laughs> उसको जे जो बोलते हैं उसी की सुनता है और बड़े से बड़ा साहब आया और टोपी ओपी लगा के साइट पे खड़े हो गए वो कहें ऐसा कर दो तो कर्मचारी जवाब नहीं देता मुस्कुराता है लेकिन काम नहीं सुनते <laughs> क्या हुआ दीपक याद नहीं आ रहा क्या कुछ <laughs> आप बुलाओ एक्सीयन को बुलाओ उसको घंटे पर खड़ा करो उसको डांटो आप असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाओ उसको डांट सकते हो लेकिन वो छोटा कर्मचारी को आप उसी के सुने का जो तनख्वाह देता <laughs> तो ये माया मेरी है ही नहीं महाराज माया मेरी कहाँ है हा? तो जब मेरी माया है नहीं तो माया से मैं कैसे छूट पाऊंगा किसकी माया है अब एक सातवें अध्याय को याद रखना जीव और ईश्वर के बीच में जो पर्दा पड़ा माया का वो माया है किसकी भगवान की याद रखना भगवान ने कहा है ना दैवी हेसा गुणमई गुणमयी मम माया मम माने मेरी माया है मम माने मेरी भगवान कह रहे मेरी माया है तो मेरी माया है तो अगर कोई भक्त मेरी शरण में आता है कोई भक्त मेरी शरण में आता है तो बस मैं इशारा करता हूँ और ओ माया वहाँ से हट जाती है मामेव ए प्रपद्यंते मामेव मेरी शरण में ही जो आएगा वो इस माया से तर जावेगा माया को पार कर लेगा क्यों मेरा इशारा और माया किनारे खड़ी हो जाती है समझ में आना चाहिए बिल्कुल आसान सा है कोई कठिन नहीं है भगवान इशारा करें और माया किनारे और माया से मुक्ति हो जाओ आप परमात्मा को जान लो अपनी आत्मा को जान लो मुक्त हो जाओ अब यही तो है कि जो आपने कहा कि मेरी शरण में जो आता है माम एव ए प्रपद्यन थे मेरी शरण में जो आता है ए माया से उसका छुटकारा दिला देता हूँ तो आपकी शरण में फिर कैसे आए आपकी कैसे उपासना करें तो आठवें अध्याय में प्रवेश कर जाओ अब हम पूरा सातवां अध्याय नहीं बता रहे हैं ये वहाँ ईश्वर के स्वरूप का निरूपण है सातवें अध्याय में ईश्वर का स्वरूप क्या है सातवें अध्याय में और इस पर खूब चिंतन करना थोड़ा अपना अलग से विचार करना हाँ जहाँ ना समझ में आवे आप लोग पूछ भी सकते हो थोड़े चार छः दिन के लिए विद्यार्थी बन जाओ फिर से हाँ, हाँ, हाँ घर में गीता देखना पढ़ना उठा करके भगवान के स्वरूप का वर्णन सातवें अध्याय में और भगवान ने कहा कि जीव ईश्वर में भेद नहीं है लेकिन भेद प्रतीति हो रहा है कैसे माया के कारण माया के कारण वो पर्दा पड़ गया उस माया के कारण फिर जीव बहिर्मुखी हो गया कर्ता भोक्ता बन गया सुखी दुखी हो गया आने जाने वाला हो गया ये जीव कभी इस लोक में कभी उस लोक में जाता है ये सारा संसार चलने लगता है तब तक तब तक माया से छुटकारा नहीं पाता जब तक मेरी शरण में ही नहीं आता मेरी शरण में आवेगा मैं माया को इशारा करूंगा माया का पर्दा हट गया और जीव मुझको प्राप्त कर लेगा इसके बाद फिर और भी कुछ सातवें अध्याय में प्रसंग हैं वो समझने लायक हैं लेकिन यहाँ से आगे के अध्याय का लगा लो अब भगवान की शरण में कैसे जाएं तो भगवान की उपासना का स्वरूप क्या है भक्ति का स्वरूप क्या है भगवान की कैसी उपासना करनी चाहिए जीव ईश्वर की शरण में कैसे रहे इसका वर्णन किया आठवें अध्याय में आठवें अध्याय में हाँ शुरुआत में तो केवल छोटे छोटे से शब्द हैं कि, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म क्या है ब्रह्म क्या है अधिदैव कौन है अधियज्ञ क्या है अधिभूत क्या है वो छोटा छोटा है लेकिन अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था आठवें अध्याय के प्रारंभ में आठ प्रश्न हैं आठवां अध्याय प्रारंभ में आठ प्रश्न हैं जिसमें एक प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि अंतिम समय में आपकी याद कैसे बनी रहे अंतिम समय में आपकी याद कैसे बनी रहे ये उसका प्रश्न प्रयाण काले प्रयाण काले माने प्रयाण माने जब जा रहा है जीव प्रयाण माने जब प्रस्थान कर रहा है जीव प्रयाण काले च कथम हाँ अंतिम समय में कहते हैं ना अंत भला सो हो सब भला अंतिम समय में आपकी याद कैसे बनी रहे यही इसी प्रश्न का उत्तर आठवां अध्याय है खास करके यही प्रश्न जो अंतिम समय में आपकी स्मृति कैसे बनी रहे इसका उत्तर आठवें अध्याय में आठवें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग अक्षर ब्रह्म योग तो इसमें अब खास करके अब देखो कभी किसी का शरीर अगर छूट रहा है ऐसा हम लोग कहते हैं तो उसको अंतिम समय में गीता सुनाओ गीता सुनाओ पूरा ना याद हो तो आठवां अध्याय सुनाओ आठवां अध्याय सुनाया जाता है क्योंकि इसमें जीव के गति का वर्णन है हाँ जीव की गति का वर्णन है अब चूंकि आठवां अध्याय अब हम आठवें अध्याय में थोड़ा सा इसका एक आठवां अध्याय आपके इस शरीर के साथ जितना व्यवहार होता है उस पर ज्यादा केंद्र नहीं है उसका ज्यादा वर्णन नहीं क्योंकि वो सब छह अध्याय तक में हो चुका है कर्म्य का हाँ आठवें अध्याय में क्या करना चाहिए ऐसा ज्यादा कि यज्ञ करो कि हम ऐसा ज्यादा वर्णन नहीं है शरीर केंद्रित उपदेश नहीं है आठवें अध्याय में बहुत आत्मा का उपदेश भी नहीं ब्रह्म का उपदेश भी नहीं है शरीर का भी नहीं ज्यादा ब्रह्म कर आठवें अध्याय में मुख्य रूप से जो विषय है इस शरीर के भीतर एक जीव है जो सातवें अध्याय में कहा था भगवान ने जीव भूताम महा तो शरीर के भीतर एक जीव है जीव जीव तो समझ जाते हैं कि नहीं जीव कहने से आ, अच्छा आप सब जीव नहीं हो जीव हो अच्छा जीव हो कि पुरुष स्त्री हो पुरुष स्त्री फिर नहीं हो जीव हो या पुरुष स्त्री हो आ? अच्छा चलो ठीक है आप मतलब तो दोनों हो शरीर भी हो जीव भी हो यही कहना चाह रहे हो शरीर भी हो जीव भी हो अच्छा ठीक है ये ये शरीर तो माँ के गर्भ से पैदा हुआ ठीक है ना चलो शरीर माँ के गर्भ से पैदा हुआ जीव कहाँ से आया शरीर के साथ ही जीव पैदा हुआ था आ हमने पहले कहा ये आठवीं अध्याय में आत्मा और ब्रह्म का उपदेश नहीं है <laughs> ये आठवें अध्याय में आत्मा ब्रह्म यहां प्रतिपाद विषय नहीं है एक ऐसा विचार है अब देखो अब यहां पर जीव पर विचार करना है खास करके क्योंकि गमन आगमन किसका हो रहा है जीव का है ना तो जीव पर विचार करना है तो एक ऐसा विचार है मत है वो कहते हैं शरीर के साथ ही जीव पैदा होता है शरीर जब पैदा होता है तो उसके साथ ही जीव पैदा होता है और शरीर मर जाता है तो अभी मर जाता है फिर कुछ बचता उचता नहीं कौन सा मत है उसको हमने कहा चारवाक दर्शन लोकायत दर्शन लोक में सबसे ज़्यादा इसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं इसलिए उसका नाम पड़ा लोकायत दर्शन चारवाक मत उनका विचार है शरीर के साथ ही पैदा होता है और शरीर के मरने के बाद कुछ बाकी ही नहीं रहता वो कोई और आत्मा और जीव को मानते ही नहीं फिर क्या करो बोले जब तक जियो सुखपूर्वक जियो यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मी भूत स्पुनरागम हो उन्होंने कहा जब तक जियो खूब घी पियो वैसे अब डॉक्टर लोग मना करते हैं खूब घी पियो बोले घर पे नहीं है बोले कर्जा ले लो कर्जा ले लो आ? किसका मत है चार वाक का हमारा नहीं कर्जा ले लो बोले हमारे गांव में जितने लोग रहते हैं सबसे कर्जा हम ले चुके हैं अब कोई कर्जा नेता देता नहीं तो कहा एक गांव छोड़ के दूसरे गांव से ले जाओ <laughs> कौन सा अब देखो अब जीव की बात आई ना तो थोड़ा अब चारवाक मत को अगर हम पढ़ाना चाहें तो लगता है बस हाँ अच्छा एक बात मैं बोलूँगा आप लोग भ्रमित मत होना मेरी बात से चारवाक मत कहता है शरीर ही सब कुछ है ना तो जीव ना तो आत्मा शरीर ही सब कुछ है और शरीर सुखी तो हम सुखी शरीर दुखी तो हम दुखी हमको सुख चाहिए हमको सुख चाहिए हमको सुख चाहिए तो अब इनका अगर मैं विचार करना शुरू कर देना तो वो कहते हैं देखो सामने वाला कोई है वो सामने पहलवान आ रहा था साइकिल पर लड़ना मत पूछा क्यों बोले अरे उसको तुम लड़ोगे उसने थप्पड़ मारा घूसा मारा था, तो तो तुमको दुख मिलेगा ना तो तुमको दुख मिलेगा तो वो काम मत क्योंकि हमको सुख चाहिए दुख तो चाहिए नहीं हाँ सुख सुख चाहिए और अगर वो मारेगा तो मुझको दुख मिलेगा तो ऐसी बाणी मत बोलो कि वो हमको हो? देखो हाँ समझ में आ रहा है ना अच्छा चोरी मत करना चोरी मत करना पूछा क्यों बोले चोरी करोगे अरे आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों किसी न किसी दिन पकड़े जाओगे यही तो ना हाँ, एक दिन बच जाओगे दो कभी तो पकड़े जाओगे और जब पकड़े जाओगे तो तुमको कारागरी में जाना पड़ेगा राजा तुमको दंड देगा तब तो तुमको दुख मिलेगा तो दुख चाहिए नहीं इसलिए तुम चोरी मत करो देखो किसका मत है ये हाँ हाँ, हाँ हाँ हमारा नहीं इसीलिए हम कहते हैं ये जो बाहर का जो कंट्री घूम के आते हैं ना जो अमेरिका वगैरह घूम के आते हैं वो अपने भारतवर्ष की बुराई करना शुरू कर देते हैं हाँ हमारे बच्चे ज़्यादातर विदेश यूरोप घूम के आए हमारा दे, हमारे बाहर का देखो कितना बाहर से सुंदर है क्यों वहाँ पर ज़रा सी कोई गलती करोगे तो सौ डॉलर फाइन हाँ हमारे यहाँ तो कितने सारी देवियाँ स्कूटी चलाती होंगी हेलमेट नहीं लगाती <laughs> हाँ, <इस में> होंगी हाँ इसमें होंगी तो चार वाक मत एक बात और तो वो बड़ा बड़ा नियम नियम का पालन करते हैं क्योंकि सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए इसलिए ऐसा काम मत करो जिससे हमको मिले देखो ठीक है ना जीव आत्मा उत्मा का मत सोचो वो कहते हैं एक बात और ये जो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है ना ऋणम कृत्वा करते हैं हा, हाँ इसमें वो चार वाक कहते हमको सुख चाहिए आज चाहिए ना सुख अभी चाहिए अभी तो हमको गाड़ी गाड़ी मिल जाए तो क्या बात है हाँ कार मिले तो चलाऊँ थोड़ा घूमने चला जाऊँ कुछ नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे घूमाऊँ पूछा कार खरीदने के लिए पैसा चाहिए उतना पैसा तो है ही नहीं हाँ कार खरीदने की सामर्थ्य कब आएगी जब शरीर में चलाने की ताकत नहीं रहेगी <laughs> सामने कोई लाइट वाला जितने बुजुर्ग लोग हैं वो सब कहते हैं सामने लाइट वाला लाइट से चक्का चौंद होता है अब गाड़ी चलाने का वो कॉन्फिडेंस नहीं हाँ कितने लोग रिटायर होने के बाद कार खरीदे होंगे हाँ। तो उन्होंने कहा कार खरीदने की सामर्थ पैसा तो तब आवेगा जब शरीर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी तो और हमको सुख जब खरीद मिलेगी तो कौन सा सुख मिलेगा और सुख हमको अभी चाहिए तो तो समाज में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सावधान रहना ये मेरा मत नहीं है चारवाक मत है हम मैं बार बार कह रहा हूँ ये हमारा मत नहीं है ये दूसरे का मत है जिसको हम खोर खराब कहते हैं चारवाक मत कहता है समाज में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमको आज सुख चाहिए उसके लिए हमको ऋण मिल जावे और हम समय पर उसका क्रम से अदायगी कर देंगे ईएमआई भर देंगे हाँ हमको अभी फ्लैट चाहिए फ्लैट का सुख हमको अभी चाहिए बुढ़ापे में मिल गए तो क्या तो बोले ऐसी व्यवस्था हो कि हमको फ्लैट खरीदने के लिए अब उसको आज की भाषा में लोन कह लो ना हाँ क्या हुआ आप लोग फंस तो नहीं रहे हो लिए तो नहीं हो ना हाँ लोन पर घर ले लो लोन लेके कार खरीद लो लोन लेकर के आजकल तो छोटी छोटी चीज के लिए भी लोन उपलब्ध है यह व्यवस्था समाज में होनी चाहिए ये विचारधारा हमारी नहीं है किसकी है तो जितने लोग इस मत को मानने वाले हैं सब चार वाक को मान रहे हो कि नहीं हाँ हेलो इसलिए एक जगह पर शास्त्रार्थ हो रहा था और पूज्य धर्म सम्राट किसी समय मह कर्पात्री जी महाराज थे तो सब चार विद्वान लोग बैठते होंगे ना तो कहते हैं तुम बौद्ध दर्शन वाले हो तुम जैन दर्शन वाले हो तुम वेदांत वाले हो तुम सांख्य वाले हो तुम चार ऐसे ऐसे आपस में विचार करते हैं अब चलो बात करते हैं जीव क्या जगत क्या ब्रह्म क्या तो पूज्यपात करपाते जी महाराज को एक दिन ऐसे सा आनंद है महात्माओं का उनका आप बौद्ध वाले हो आज हाँ बौद्ध में भी योगाचार क्षणिक विज्ञानवाद तो करपात्री जी महाराज ने कहा इस सभा गोष्ठी में हमको बौद्ध दर्शन वाला विचार मत दो सब ने कहा क्यों उनका अगर हमको दोगे तो मैं ऐसी बात कहूँगा कि सिद्ध हो जाएगा तुम सब कट जाओगे जो सत्य होता है अकाट्य होता है सत्य को कभी कोई काट नहीं सकता और जब तक विचार की कसौटी पर हम कटते चले जाते हैं समझना वो सत्य नहीं तो ये चार वाक मत वो कहते हैं कि जीव ऊ कुछ होता नहीं फिर ये जो मैं बोलता हूँ बोले जो मैं बोलता हूँ ना जैसे पान का पत्ता लिया हरा है उस पर चूना लगाया सफेद है सुपारी रखा तंबाकू रखा खाए रंग कौन सा निकल आया तो जैसे वो पान के पत्ते पे निकल आता है अरे आपने गुड़ है गुड़ दब लिया उस गुड़ को जमीन में दबा दिया कुछ दिन के बाद में सड़ गया उसको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा आपने बना दिया तो उसमें मादकता नशा आ गया शराब बन गई मादकता कहां से आ गई उसमें तो जैसे उसमें मादकता आ गई उसमें लाल रंग आ गया इसमें चार महाभूत मिले वो पांच महाभूत नहीं मानते चार वाक वाले पांच, वो कहते हैं बस वायु अग्नि जल पृथ्वी चार महाभूत हैं उनसे मिला और मिल करके इसमें चेतनता पैदा हो गई कोई आत्मा उत्मा है ही नहीं कहाँ तुम आत्मा की बात करते हो जी वो है ही नहीं तो एक तो उनकी बात है किनारे करते आठवां अध्याय उनके लिए नहीं है ठीक है हाँ, आठवां अध्याय उनके लिए नहीं जो जीव को मानते नहीं उसको क्या बताना दूसरे मत वाले ऐसे हैं अब थोड़ा सा हाँ, हाँ। वो कहते हैं जब ये शरीर पैदा हुआ उसी के साथ जीव भी पैदा हुआ शरीर के साथ जीव पैदा हुआ जीव है इस शरीर के साथ रहता है इस शरीर के सुख दुख से वो सुखी दुखी होता है शरीर मर जाता है तो तो कहते हैं शरीर मर जाता है लेकिन फिर वो भीतर वाला जीव मरता नहीं है आप इनके मत को समझना थोड़ा सा आप कम से कम इसीलिए कई बार हम कहते हैं अपने यहाँ पर एक थे ना दादा अठौली जी उनकी संस्थाएं थी तो उनके यहाँ जो विद्यार्थी जाते थे पहले वो दूसरे मतों को पढ़ा देते थे और सब मतों को पढ़ाने के बाद कहते थे अब गीता जी पढ़ो तब तुमको गीता जी की महिमा समझ में आवेगी जब सब समझ लोगे तब तो मत क्या हुआ उनका शरीर के साथ जीव पैदा हुआ शरीर के साथ रहता है लेकिन कभी मरता नहीं कभी मरता नहीं चलो अब हम जीव कह रहे हैं आप शब्द तो में बोल दूंगा तो समझ लोगे रूहे पाक हाँ जो पवित्र जो सोल है हाँ, शरीर के साथ पैदा हुआ शरीर के साथ रहा लेकिन कभी मरता नहीं सुन में आया किसका मत हाँ, हाँ हाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों दोनों का मूल एक है जैसे आप जैन बौद्ध सिख तीनों का मूल हमारा कौन सनातन ऐसे ही उनकी दो शाखाएं बनी हाँ यीशू से क्राइस्ट से वो चल पड़ा ईसाई और उनसे मोहम्मद से चल पड़ा फिर उनमें भी शाखाएं हैं इनके दोनों का मूल एक है. दोनों का मूल एक है हाँ हमको तो मज़ा आता है महाराज क्या विचार करो हमारे राम जन्मभूमि के लोग कहते थे क्यों लड़ रहे हैं एक जरा सी जगह है ऐसे पहले हाँ पचासों साल से सुन रहे हो लड़ाई छोड़ देना चाहिए हम कहें तुम छोड़ के दिखाओ ना एक एक स्थान है जरा सा और तीन धर्म वाले वहां पर दावा करते हैं एक स्थान है छोटा सा और उसके लिए तीन धर्म वाले लड़ने मरने के लिए तैयार हैं नाम ध्यान रखना जेरूशलम हाँ यहूदी कहते हो मेरा पवित्र स्थान है ईसाई कहते हैं हमारा पवित्र स्थान है मुसलमान कहते हैं हमारा पवित्र स्थान है कोई दावा छोड़ने के लिए उसके लिए तैयार नहीं है हाँ। ये तो सुना तो होगा ना हाँ तो हमको क्यों कह रहे हो तुम अपना करके दिखाओ ना पहले हाँ तीनों वहा जेरुसलम के लिए तीनों दावा करते हैं वहां पर एक अक्का मस्जिद हाँ। जो कोई मस्जिद है हाँ तो और अभी भी लड़ाई वहां के लिए चल रही है हाँ। इसराइल में और इसराइल में हम्मास वगैरह जो भी है सुनो स्थान ईसाइत और मुसलमान दोनों एक उनका जो मूल सिद्धांत है मिलता जुलता है तो उनका सिद्धांत है कि जीव रूहे पाक शरीर के साथ पैदा होता है लेकिन कभी मरता नहीं ठीक है ना अब समझिए तो अब शरीर के साथ रहता है सत्तर साल तक शरीर के साथ रहा तो कहते हैं इस शरीर को जलाओ मत उसको कष्ट होगा क्योंकि इस सत्तर साल तक शरीर के साथ रहा ना रूह पा तो उसको इसको जलाओगे तो कष्ट होगा देखो सिद्धांत के ऊपर फिर व्यवहार बनता है तो क्या करो बोले इसको एक जगह पर दफना के रखो दफना के रखो कब तक रहेगा वहाँ पर क्योंकि मरता तो है ही नहीं तो कब तक रहेगा बोले कयामत के दिन तक हाँ वैसे बंबई वाले एक गाना गाए थे ना हम इंतजार करेंगे क़यामत तक खुदा करे कि कयामत हो और न जाने कौन से पिक्चर का गाना था पुराना क़यामत के दिन तक वो कब्रिस्तान में रहेगा वहीं पर कभी जाके बच्चों को फूल उल चढ़ा के आना चाहिए अगर बत्ती जला के आ जाओ यही तो यही परंपरा है ना कयामत के दिन पूछा कयामत के दिन क्या हो? बोले सारी रूहें खड़ी हो जाएंगी और सबका उनके यहां पर हिसाब होगा पापी है तो जाओ तुम दो में और अच्छे काम करने वाला है तो जाओ तुम जन्नत में हेल और हेवन बस अच्छा अब ए मत देखो ये मत मैंने बता दिया इनका मत है कि रूह शरीर के साथ पैदा हुई और कभी मरती नहीं आप लोग तो तुरंत गीता का श्लोक बाँच दोगे जात से ही ध्रुवम मृत्यु हो ध्रुवम जन्म हा, हा, क्या ये सही लगता है जिसका जन्म हो और कभी मरे ना हाँ ऐसा लगता है इस जगत में कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो हमको जो पैदा हुआ और कभी मरा ना हो हाँ। कोई ऐसा दृष्टांत हाँ। पहले तो यही अच्छा अगर उतना एक बात तो मान ले कि इस शरीर में वो रूह कहीं से आई थी शरीर के साथ पैदा नहीं हुई इतना वो कह दें कि शरीर में कहीं से रूह आई थी हम कह देंगे बस आप तो हमारे महाराज महान पुरुष हो आपको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि ये मत मेरा हो जावेगा <laughs> इसको हम कहते हैं पुनर्जन्म का सिद्धांत उनके यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत तो नहीं है समझता देवघर में इस विषय को लिया था हल्का सा है ना? याद होगा तो हाँ तो, तो यह जो जीव है उन अच्छा उनसे पूछो कि जीव कौन से लोक में जाता है कैसे जाता है कैसे जाता है, कैसे जाता है? तो उनके यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है क्योंकि जीव की गति होती को मानते नहीं बस इतने कहते हैं कयामत के दिन रूहें सब खड़ी होती उनका हिसाब होता है बस इतना ही है हाँ। हाँ। जीव जीव है ना है ना नहीं है है, है? जीव ना होवे ना ये जीव ना होवे तो शरीर छूने में भी डर लगता है <laughs> आ, जी, जब तक जीव है तब तक मम्मी भी है पापा भी हैं दादा भी हैं बेटा भी है सब कब तक जब तक जीव है वो ना रहे तो बस कहेंगे बस अंतिम बार, बार है प्रणाम ले चलो वह जीव मेरे भीतर अब अब मैं ज्यादा इधर उधर नहीं सीधे आठवें अध्याय का समझिए ये शरीर के भीतर जो जीव है ये जीव अपने कर्मों से संस्कार संग्रहित करता है अपने जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे इसका संस्कार इकट्ठा होता है ऐसा मत कहिए कि कुछ लेके नहीं जाता इस लौकिक जगत का एक सुई भी लेके आप नहीं जा पाओगे यहां का आपका रुपया खजाना लेके नहीं जा पाओगे लेकिन जो यहां का संस्कार है वो संस्कार आपके साथ जाएगा <laughs> संस्कार जाता है दृष्टांत में सबसे बढ़िया दृष्टांत हमको समझाने के लिए आता है हमको जो आजकल की भाषा में समझाया एक मोबाइल होता है मोबाइल की कंपनी अलग होगी उसका बनाया हुआ रूप रंग अलग होगा उसके बटन अलग होंगे उसका फंक्शन अलग होगा मोबाइल का एक बाहर से बना हुआ रूप है वजन है उसका अमुक चीज है और मोबाइल में आपने एक लगाया छोटा सा सिम आजकल तो ई सिम भी आ रहे हैं आपने एक सिम लगाया ना कितना छोटा होता है बड़ा संभाल करके लगाना पड़ता है नहीं तो इधर से उधर गिर जाता है वो छोटा सा सिम होता है हाँ कुछ दिन के बाद में हमारा मोबाइल खराब हो गया क्या करूंगा क्या करूंगा अरे नया मोबाइल खरीदूंगा बढ़िया हाँ, और क्या हाँ, उससे बढ़िया खरीदूंगा हाँ, वो तो पुराना हो गया घिस पिट गया उसके बटन भी खराब हो गए हाँ, किनारे कर दिया नया मोबाइल बढ़िया खरीद लिया और लेकिन सिम उसको उसमें से वहां से वहां निकाल दिया ऐसे आपका ये सब शरीर है घिस गया भाई आ, ये शरीर हमारा ये मोबाइल है मान लो थोड़ी देर के लिए ये मोबाइल है अब इसमें आँख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता चश्मा लगाओ कान से सुनाई कम पड़ रहा है घुटना दर्द कर रहा है कमर दर्द कर रहा है तो क्या हो गया पुराना हो गया शरीर ना तो अब नया शरीर लो बढ़िया रोज ताजा बिल्कुल <laughs> देखो बच्चे बच्चे का शरीर देखो हर आदमी देख करके खुश हो जाता है है ना हर आदमी चाहता है हम गोद में ले लें तो और यहाँ का जीव निकल करके वहाँ पर अच्छा सिम जैसे इस मोबाइल से उसमें लगाया आपके नेटवर्क बदल गए कि नहीं है ना बहुत सारी जो आपकी पहले फ़ोन नंबर थे वो सिम में होते थे हाँ फोन फोन में भी होता है सिम में भी होता था न? अगर सिम यहाँ से वहाँ लगाया तो वहाँ चला गया कि नहीं चला गया कि नहीं नहीं गया बस तो वैसे समझ लो तो ये जब यहां से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता <laughs> खाली हाथ जीव नहीं जाता ये अपने कर्मों का संस्कार लेके जाता है आपने जो यज्ञ किया है अच्छे कर्म किए हैं दान किया है तीर्थ किया है व्रत किया है उसके संस्कार जो यहां बैठा हुआ है संस्कार अब देखो दर्शन हम करने गए थे परसों आप देवी सप्तृंगी का दर्शन परसों करने गए मान लो हाँ। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कैसे बोल रहा हूं हाँ। क्योंकि वहां के दर्शन का संस्कार मेरे चित्त में आया ना हाँ अभी मैं कल जला जाऊंगा दिल्ली वहां बोलूंगा तो वहां भी मैं बता सकता हूं इसको तो क्या हुआ संस्कार है तो ये संस्कार जहां पर पड़ा वो जीव अपने ऐसे लाखों लाख संस्कार चित्त में पड़े हैं अरबों अरब संस्कार पड़े हुए हैं उन सारे संस्कारों की पूंजी को लेके यहां से जाता है। इतना अब कम से कम ये मत कहना कि खाली हाथ चला गया हाँ खाली हाथ अरे खा, ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जा रहे हो बस ये रुपया पैसा नहीं लेके आए थे यही है घर परिवार नहीं लेके आए थे लेकिन कर्मों की पूंजी लेके आए थे और कर्मों का संस्कार लेके जाओ ठीक अब दो बातें शरीर के भीतर जीव है वही जीव मैं हूं ये जीव ही ब्रह्म है ये समझना है जीव ही पर ब्रह्म परमात्मा है ये समझना है इसके लिए सारा उपदेश है लेकिन अभी तो मैं जीव हूं अभी तो वो बात नहीं समझ में आ रही तो जीव अपने कर्मों के अनुसार आता और जाता है। यहां तक क्लियर ना अगली बात जब आप कहीं पर जाते हो गमन की क्रिया होती है गति यहां से वहां जाते हो कहीं पर भी पहले कोई लक्ष्य निश्चय हो जाता है तब निकलते हो घर से कि ऐसे निकल पड़ते हो हां? भाई घर से निकले होंगे तो जगह तय हो गया ना कि स्वामी नारायण मंदिर में जाना है सत्संग में पहले लक्ष्य का निश्चय कर लिया उसके बाद फिर जिसकी जैसी सामर्थ्य थी कोई मोटरसाइकिल से आया कोई रिक्शे से आया कोई कार से आया कोई कैसे आया अपनी जैसी सामर्थ्य थी दो चीज हो गए ना लक्ष्य का निश्चय और प्लस अपने कुछ साधन की सामर्थ्य ये दोनों चीज इसके बगैर कभी गति नहीं होती कहीं पर भी जाना होता है तो आपको दोनों चीज की जरूरत पड़ती है ये जो जीव अब आपको उपनिषद की बात बोल दे रहा हूँ ऐसे अभी नहीं बोलना चाहिए था यहाँ कब बोल रहे अभी तो अभी तो हमारे लिए तो शुरुआती लोग हैं शुरुआत में ही बहुत कठिन हो जा रहा है शुरुआत में तो हम लोग कथाएँ सुनाते हैं उपनिषद में एक ऐसा दृष्टांत दिया कि ये जो माला वगैरह पहनाते हैं ना इसमें कभी ध्यान दो तो एक कीड़ा होता है हरा हरा सा छोटा सा कभी फल में दिखेगा कभी फूलों में दिखता है, है उसको देखोगे तो वो ऐसे ऐसे करके चलता है है ना तृण पर चलता है तिनके पर चलता है तो उसका नाम है तृण जलूका उसको चलने को ध्यान दोगे तो वो पहले पीछे वाला ऐसे पकड़ के रखेगा आगे से ऐसे ऐसे उठा के देखता है आगे वाला उठा के ऐसे ऐसे टटोलेगा तो वो आगे वाला हिस्सा जमा लेता है तो पीछे वाला छोड़ता है ध्यान से आप कभी छोटा छोटा देखो पहले आप ऊपर की सीढ़ी पे पांव जमा लेते हो तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ते हो है ना तो ऐसे ये जो जीव है यहाँ पे ना ये जीव मृत्यु के समय पर आखिरी समय पर भाभी देह का विचार करता है कौन सी यौन में हमको जाना है उस समय पर आप देखो कहते हो इसकी सांस रुक रही है या आँखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है हम लोग कान के पास पहचान रहे हो हमको पहचान रहे हो हमको उस समय अब वो, वो मूर्छा की अवस्था में है अथवा उसको बोला नहीं जा रहा है आँखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन भीतर से कोई प्रक्रिया चल रही है हाँ और हाँ। जीव अपने भविष्य का हमको किस शरीर में जानना है अपनी वासना के अनुसार अपने संस्कार उस खुद जब तक वो पक्का नहीं होगा तब तक शरीर को नहीं छोड़ता हाँ। क्या हुआ क्यों <laughs> 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 कभी कभी देखते नहीं आयुषु में जो है महीना महीना पड़ा रहता है हाँ, हाँ, हाँ। कोमा में पड़ा रहते हैं हाँ? और यहाँ तक कि बाई एक्सीडेंट भी अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो तत्काल मृत्यु तो नहीं होती बाई एक्सीडेंट भी हमने देखा है हाँ। शरीर अगर दो भाग में कट गया ट्रेन से ये हमारे हमने देखा है किसी को कोई दो भाग में कट गया तो वो करीब पंद्रह मिनट तक उसका शरीर तड़पता था और वो उसने जो है कट गया था फिर भी उसने पानी मांगा था हाँ हम रेलवे लाइन के किनारे कहीं रहते थे और कोई ऐसे कट गया था तो सब पूरा मुहल्ला दौड़ गया हम भी देखने दौड़ गए तो वो पुरानी बात है तो उसने पानी मांगा था पानी पानी दो पार्ट में कटा हुआ था अब पानी मांगा था उसने फिर किसी ने गिलास में पानी लाया तो किसी ने कहा पानी नहीं गर्म दूध पिलाना चाहिए आ, ऐसा कोई ऐसे बोला था पानी नहीं पिलाया तो तुरंत नहीं मरा महाराज पाँच मिनट दस मिनट पाँच सेकंड, दस सेकंड, कुछ समय लगता है उस समय पर वो जीव अपने भावी देह का विचार करता है कहाँ पर हमको जाना ये लक्ष्य का निश्चय हुआ पहले फिर एक बार अगर लक्ष्य का निश्चय होगा तो दूसरी फिर वो विचार करेगा ना कि हम अब भाई जैसे मान लो किसी को ऐसा है कि वो हमेशा सब पर संदेह ही करता है किसी पर विश्वास नहीं तो उसको पक्का समझना कव्य का शरीर मिलना पक्का है अगला है <laughs> जब सब पर संशय होगा तो किस पर आप कबूतर को चारा दो चार दिन के बाद में आपके हाथ पे आके बैठ जाएगा गिलहरी को दस पंद्रह दिन खिलाओ आपके पास में आ जाएगा आप कौिए को साल भर खिलाओ हाँ और चारा भी डालो तो दस बार इधर उधर देखेगा और फिर खाएगा तो संशय होगा तो वैसा शरीर किसी को ऐसा शरीर किसी को वैसा शरीर साहब ए जैसे यहाँ आप क्या हुआ संजय तुम कुछ हा? बड़े ध्यान से सुन रहे हो <laughs> अच्छा मान लो किसी किसी को दीवार में कान लगा के सुनने की बहुत आदत हो <laughs> अंदर दो लोग बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं क्या बात जरूर मेरे बारे में बात कर रहे हैं पक्का समझना छिपकली बनने की तैयारी है कि नहीं <laughs> <laughs> तो, हाँ, तो, तो, तो तस्मा सर्वेशु कालेषु माँ मनुष्यमर ए जीव जीव इसके पास संस्कार की पूंजी रहती है उसी संस्कार के अनुसार ये भविष्य का लक्ष्य अपना तय करता है फिर उसके पास जो कर्मों का संस्कार है वही उसकी पूंजी है शक्ति है एक प्रश्न पैदा होगा यहाँ पर ये जो हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं कर है ना ये आठवें अध्याय का विषय है समझ आठवें अध्याय श्राद्ध वगैरह करते हैं तो किसको मिलता है इसका क्या प्रयोजन है क्योंकि जीव तो यहाँ से वो चला गया फिर हमारे श्राद्ध करने से उसको क्या मिलेगा पिंडदान आदि जो करते हैं उससे क्या मिलेगा आप समझो एक मैं दृष्टांत दे दूँ फिर आगे के एक कोई भी कार्य होता है ना तो एक सिस्टम से चलता है एक व्यवस्था से चलता है हाँ इस बाहर के जगत में लोक परलोक का जो व्यवस्था है उसको संत लोग ऋषि लोग जानते हैं बाहर की जगत की व्यवस्था को आप लोग अच्छा एक सिस्टम है मान लो आप यहां पर हो आप यहाँ पर हो आपको दिल्ली जाना है दिल्ली जाना पड़ा आपका बेटा रहता है पूना में उसने पूना में बैठ करके आपका रिजर्वेशन टिकट करा दिया अब आपको निश्चित रूप से सीट मिल जाएगी ट्रेन में प्लेन में आप चले जाओगे ये पक्का भरोसा हो गया कि नहीं कैसे वो तो पूना में बैठा है उसने तो कुछ न, कैसे कैसे विश्वास हुआ कि आप जब ट्रेन में जाओगे तो आपकी सीट सुरक्षित होगी कैसे विश्वास हुआ एक सिस्टम है सिस्टम वो सबसे जुड़ा हुआ है रेलवे का अपना नेटवर्क है उसका सर्वर आपके उस मोबाइल के सर्वर से जुड़ा है यही ना दिखाई नहीं पड़ रहा है आपके बेटे ने वहाँ से कर्मकांड किया इसका नाम है कर्म कांड <laughs> यही ना भाई उसने बुक किया उसमें पैसा पेमेंट कर्मकांड किया इसका नाम हम कह रहे हैं कर्मकांड है वहाँ से कर्मकांड किया उसने टिकट आपको जो है फॉरवर्ड कर दिया और आप यहाँ से गए तो आपकी सीट वहाँ सुरक्षित ये ठीक है ना <laughs> एक व्यवस्था है एक व्यवस्था चलती है पूरा का पूरा वो व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है वो व्यवस्था दिखने मान लो आज की एक व्यवस्था है हमने सुना है कि कोई अरब से पहले आज कुछ समय पहले अरब के दो यात्री आए ताजमहल देखने और होटल में रुके पता नहीं सत्य घटना की गलत लेकिन बताया लोग तो ताजमहल हो देखने आए थे आगरा वहाँ होटल में रुके तो वो ना ताजमहल देखने जाओ ना कहीं और जाओ कमरे में घुसे रहें हाँ दो दिन के बाद में जब उनका चेकआउट का टाइम हुआ बोला तो दो, वो दोनों जो अरब वाले थे वो बाथरूम में घुसे थे तो उनके यहाँ उनको जो दुभाषिया था उसने पूछा क्या करें तो उनका एक टोटी बहुत बढ़िया है टोटी खोलो तो पानी निकलता है टोटी ले चलते हैं अपने यहाँ पे क्योंकि वहाँ पानी की ही वहाँ पानी होता नहीं है पानी बहुत मुश्किल से मिलता है तो ये टोटी में खोलो तो पानी निकल आता है तो टोटी ले चलते हैं हाँ समझाने वाला क्या कहेगा अरे भाई टोटी में पानी नहीं आता उसका पूरा एक पूरा एक जाल बना हुआ है हाँ कौन जल निगम वाले तो नहीं है कोई कहीं डैम बनाया होगा वहाँ से पानी सप्लाई करके कहीं टंकी में आया होगा टंकी से घर पे आया होगा घर से टोटी में आ रहा है उसका एक जाल है ना केवल टोटी खोलो पानी थोड़े आ जाता है एक व्यवस्था है, है उस व्यवस्था को सब नहीं जानते ना बाहर से नहीं दिखाई पड़ रहा है एक व्यवस्था है वो व्यवस्था दिखाई पड़ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता अब हम लोग अब आजकल तो खत्म हो गया पहले अब मान लो विदेश गए तो चिट्ठी डालनी है चिट्ठी भेजनी है परिवार में कहाँ एक लालसा डब्बा है मोहल्ले में एक लालसा डब्बा लगा है उसके मुंह में डाल दो चिट्ठी और वो पहुँच जाएगी कलकत्ता रहने वाले के पास में कैसे पहुँच जाएगी कलकत्ता हा? कैसे पहुँचेगी भाई हाँ हमने तो डब्बे में डाला हम डब्बे को चारों तरफ से घूर के देख रहे हैं कहीं कोई उसमें लगा नहीं है तार और कैसे पहुँच गया बोले उसका अपना एक सिस्टम है ठीक है ना ऐसे ये जो अदृश्य जगत है सूक्ष्म जगत है ये जितना दिखाई पड़ रहा है इतने सब कुछ नहीं है सूक्ष्म जगत ज्यादा व्यापक है सूक्ष्म जगत की एक व्यवस्था है जिसको ऋषि लोग जानते हैं जिसको संत लोग जानते हैं हाँ भाई अंदर के शरीर की बात डॉक्टर जानता है हाँ आपकी हड्डी में कहाँ कौन सी कमी हो रही है? कौन जान रहा है डॉक्टर जानता है ऐसे ऋषि लोग जानते तो ऋषियों ने उस व्यवस्था को दिया उनका जब ये जीव यहाँ से निकल के जाता है और उसके बच्चे पिंडदान आदि करते हैं तो उनको वो देखो गति नहीं बदलेगी जैसा जीव ने किया है वैसे उसको लोक मिलेगा जैसे जीव ने कर्म किया है वैसे उसको योनि मिलेगी उसका लक्ष्य नहीं बदलेगा लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उसको थोड़ा आसानी हो जाएगी सुविधा हो जाएगी क्या हुआ लक्ष्य नहीं बदल जाएगा बेटा अगर पिंडदान कर दे तो इससे मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि एक आदमी ने जिंदगी भर पाप किया है बेटे ने पंडदान कर दिया तो ब्रह्मलोक नहीं मिलने वाला लेकिन उस जीव को जो उसका लक्ष्य था जो योनि थी उसके मिलने में उसको हो आसान हो ठीक है ना कंसेप्ट पूरा समझना चाहिए हाँ और उसकी बड़ी ज़रूरत है जी उसकी बहुत कीमत है हाँ हमको तो पक्का ये ये बात तो बहुत भरोसा है ना जाने कितनी जगह पर जो है एक नहीं पूरे भारतवर्ष में घूमते रहना पड़ता है कहीं मंदिर में जाओ ऐसे जाते हैं तो लाइन लगाना पड़ता है और कोई एक व्यवस्था का एक अधिकारी आ जाता है तो हाँ तब अभी राम जन्मभूमि का जब उद्घाटन हुआ तो मुझको जाना था मैं गया था उसमें मैं था और उसी जगह पर था जहाँ मेन ब्लॉक था जहाँ हमारे सारे अखाड़े के आचार्य लोग जो मेन ब्लॉक था जो उस उसका नंबर दिया था आठ नंबर किसी को और बड़े सारे बहुत सारे मंडले से लोग धर्माचार अलग किनारे हो गए थे तो वहीं में बैठा था लेकिन अब वहाँ पर अगर मैं पहुँचू भी हाँ ऐसे जाओ तो आपको प्रवेश ही नहीं है हाँ वो जिस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन तो जो है पूरा अयोध्या को सील कर दिया था आम आदमी के लिए पूरा बंद था लेकिन अब हमारे लिए हमारे लिए जो तो जहाँ जाओ वहीं पर कोई ना कोई स्वागत के लिए तैयार काय के लिए क्यों क्योंकि कोई ना कोई कोई न कोई एक समिति है कोई न कोई महात्माओं का विचार करने की एक संस्था है जिसने ये वहाँ पर कर दिया व्यवस्था वाहन का पास दे दिया महाराज जी के लिए पास इशू कर दिया अमुक जगह पर अमुक जगह पर पुलिस वाला भी इस तरह से महाराज स्वामी जी हुआ ना पहुँचना वही है लेकिन आसान हो गया सामान्य रूप से जाते तो धक्के खाते और पहुँच भी शायद ना पाते ऐसे ये जीव जब यहाँ से जाता है तो जाएगा अपने कर्मों के अनुसार ही लोक में अपने कर्मों के अनुसार ही योनि में लेकिन जब बच्चे पिंडदान आदि करते हैं तो उसको सपोर्ट मिल जाता है उसको एक सहायता मिल जाती है और वो अपने गंतव्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है ठीक है जीव का यहां तक फिर जब तक उसका कर्म होता है वहां भोगता है उसके बाद वहां से वापस आता है वहाँ से वापस आ है तो ये जीव की गति कैसे होती है इसी का विस्तार है आठवां अध्याय आठवां अध्याय जो अर्जुन ने पूछा है कि अंतिम समय में आपकी याद कैसे है, कैसे बनी रहे तो आठवें अध्याय का जो श्लोक देखोगे तो उसमें आठवें अध्याय में आएगा अंत काले मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समय जो जो व्यक्ति जो 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 व्यक्ति जो जो स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है वह उसी उसी लोक को हो प्राप्त करता है तो जो मुझको मेरा भजन करेगा मेरा स्मरण करेगा जब शरीर छोड़ेगा तो वो मुझको प्राप्त करेगा इसलिए सर्वेशु कालेशु माम अनुस्म देखो सर्वेश कालुष्मान माने ये मत कह देना कि फिर जब अंतिम समय आएगा तो भगवान की याद कर लेंगे बस अंतिम समय में याद ही नहीं आएगी आ, जो जीवन में संस्कार होगा उसी की याद आएगी आ, अभी जैसे आप लोग सत्संग सुन रहे हो आप लोग सुन रहे हो, आपका दिल लगा है अगर इतना प्यार से ना सुनते तो फिर मन ही नहीं लगता हाँ अब पाँच छः दिन आप सत्संग सुनो मन लगा हुआ है रात में सोने के लिए जाओ बिस्तर पर लेटो देखो शायद आप सोते सोते भी आपको सत्संग की बात याद आ जाए और और नींद में चले गए हाँ यही ना क्योंकि सत्संग का संस्कार पड़ा है वैसे आप सामान्य रूप से सो और किसी एक ऐसी चीज जिसका दिन भर याद नहीं किया है और उसके बारे में सोच के सो कि मैं इसको सोच के सोऊंगा तो आप सोचते रहोगे सोचते रहोगे और जैसे निद्रा आने वाला होगा आपको पुराना वाला कोई ना कोई बात याद आ जाएगी और निद्रा में जाओगे अंतिम समय में जिसने जीवन भर संसार का काम किया है परमात्मा की याद नहीं किया है वो चाहे भी कि अंतिम समय में मैं भगवान का राम नाम लेके मरूंगा स... नहीं निकलेगा वही आवेगा जो उसने जीवन पर्यंत किया है इसीलिए भगवान ने कहा सर्वेशु कालेषु सभी समय में आ, चलते फिरते काम करते हुए माँ मेरा स्मरण करो और युद्ध युद्ध माने संसार का कर्तव्य करते रहो तो यही उपाय है ऐसा कोई करता है तो बहुत बढ़िया और बाकी जो है आठवां अध्याय एक दो बातें और भगवान एक बात और कहते हैं वो हम शाम को बताते हैं खास बात आठवें अध्याय का फिर शाम को नौवा अध्याय बोले सच्चिदानंद भगवान की अब पक्का शरीर हो कि जीव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नम हरि